हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप आप सभी का यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई स्टडी विद अभय में स्वागत करता हूं, जिसमें हम लोग बोट एंड स्ट्रीम के चैप्टर को पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व भी किया था, जिनके माध्यम से हम लोगों ने चैप्टर को समझने का प्रयास किया था। तो आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे और चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज बोट एंड स्ट्रीम के पार्ट टू को पढ़ेंगे। पार्ट वन में हम लोगों ने पहली वीडियो को पढ़ लिया है, जिन्होंने भी ना देखा हो वो पहली वीडियो को देख ले, जिससे आपके अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके और समझने का प्रयास हम लोग अच्छे से बेहतर कर सके। तो आइए आज हम लोग इसी वीडियो को बढ़ाते हुए देखते हैं क्वेश्चन का लेवल आगे बढ़ाते हुए। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए लिखा है, एक व्यक्ति को नौका नदी की प्रवाह की दिशा में 15 किलोमीटर चलाने के लिए 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं। मतलब एक आदमी जो नाव चला रहा है, धारा की दिशा में जब चलाता है 15 किलोमीटर, तो उसे 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं। और फिर कहा गया उल्टी दिशा में यानी विपरीत दिशा में जाने में 5 किलोमीटर जाने में उसे 2 घंटे 30 मिनट लगते हैं। तो इसमें हमें धारा की गति बतानी है। देखिए धारा की दिशा में जा रहा है 15 किलोमीटर, तो उसे 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं, और विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर जाने में उसे 2.5 घंटे लगते हैं। तो धारा प्रवाह की गति बताना है। धारा प्रवाह की गति कितनी होगी, आइए देखते हैं। हम लोग जिस मेथड से करते हैं हम उसी मेथड से करेंगे सॉल्यूशन। देखिए धारा प्रवाह की दिशा में हम लोगों ने कहा था बोट प्लस स्ट्रीम हम लोग देखते हैं ये होती है चाल, ठीक है, क्योंकि नाव की चाल और धारा की चाल मिला देते हैं तो चाल है। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी हमारी 15 किलोमीटर, समय हमारा दिया है 3 घंटे 45 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट दिया है। देखिए मिनट को हम लोग घंटे में चेंज कर लेते हैं, तो 60 से भाग कर दिया, इधर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, 15 से 45 हो गया और 15 से 60 हो गया, ठीक है, 15 से 60 यहां पर हम लोगों ने सॉल्व किया, 4 से 12 15/4, ठीक है, 15/4 घंटे। तो यहां पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, दूरी बटे समय 15/4। अब यहां पे हम लोग इसे पलट लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, 15/15 × 4 ये ऊपर चला गया। अब यहां पे देखिए विपरीत दिशा में V-S बोट माइनस स्ट्रीम, उल्टी दिशा में जा रहा है, हमने कहा था बोट माइनस स्ट्रीम कर देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, 5 किलोमीटर जाने में 2.5 घंटे लगते हैं, 5 किलोमीटर दूरी बटे समय 2.5 घंटे, मतलब 5/2, 2.5 घंटे मतलब 5/2, 5/2, ठीक है। अब यहां 5/2 कैसा है, 2.5 घंटे मतलब ये होता है, हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 5/2 हो जाएगा, ये हम लोग रफ वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन 2.5 घंटे मतलब 5/2, इस प्रकार हम लोग सॉल्व कर लेंगे। दूरी बटे समय इसे हम लोग फिर सॉल्व कर लेते हैं, 5/5 यहाँ पे ऊपर चला गया तो यहाँ पे गुणे में आ गया, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए 4 इसे हटा देते हैं रफ वर्क था, और यहाँ पे 2, 4 आ गई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे 2 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब धारा की दिशा में वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है और धारा के विपरीत दिशा में वो 1 घंटे में 2 किलोमीटर की दूरी वो तय कर रही है, ठीक है। नाउ अब यहां पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये देखिए जोड़ लिया हम लोगों ने, 2b आ गया, यहां पे 6 आ गया, 2b बराबर 6 किलोमीटर पर आवर, इसे हम लोग थोड़ा नजदीक कर लेते हैं इससे समझ में अच्छे से, 6 किलोमीटर, और बी बराबर हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 3 किलोमीटर मतलब बोट की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन यहां पे धारा की चाल पूछा गया है और हम लोगों ने निकाला है नाव की चाल, तो हमें नाव की चाल से धारा की चाल निकालनी है। देखिए हम लोगों का इक्वेशन दिया था यहां पे बी प्लस एस बराबर 4, हम लोगों ने निकाला था
नाव और धारा की दोनों की चाल मिला ले तो जहां पे 4 किलोमीटर प्रति घंटा था और यहां पे बी की चाल हम लोगों को पता चल गई, तो हम लोग दोनों की चालों में बोट की चाल घटा देंगे तो 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो धारा प्रवाह की दिशा मतलब स्ट्रीम की चाल हम लोगों की दी है, स्ट्रीम की स्पीड हमारी 1 किलोमीटर पर आवर हुई, तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। देखिए इसमें करने का क्या था कि 3 घंटे 45 मिनट दिया था, ये घंटे में है ये मिनट में है, तो हम लोगों को यूनिट सेम करनी होगी, तो 60 से भाग कर देंगे तो हम लोगों का घंटा आ जाएगा, 3/4 घंटे आ जाएगा, और यहाँ पे 3 पूरा दिया है तो 15/4 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे 2.5 घंटे मतलब 2 सही 1/2 आराम से कर सकते हैं, 5/2 हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया, तो हम लोगों को धारा के साथ और धारा के विपरीत की दूरी पता चल गई और हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, तो इस प्रकार हमें एस बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड हमें पता चल गई, तो जो पूछा गया था हम लोगों ने वो निकाल लिया, तो इस प्रकार हम लोगों को हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आसानी से हम लोगों का आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे, तो देखिए बोला गया है एक नाव धारा की दिशा में 10 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है और धारा के विपरीत 15 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करती है, धारा की चाल और नाव की चाल ज्ञात करनी, हमें यहाँ पे धारा की चाल और नाव की चाल दोनों बतानी है। आइए देख लेते हैं, अभी तक हम लोग जिस प्रकार करते आ रहे थे सेम उसी तरह करेंगे और आसानी से भी कर सकते हैं। आइए देखें धारा की दिशा में हम लोगों ने कहा था बोट प्लस स्ट्रीम, क्योंकि धारा के साथ जब जाएगी तो बोट और धारा की चाल बराबर दोनों ज्यादा हो जाएंगे, धारा की चाल भी जुड़ जाएगी और नाव की चाल भी जुड़ जाएगी, तो हमारी नाव तेज चलने लगेगी, तो यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए दूरी 100 किलोमीटर है, समय 10 है, ठीक है, हम लोग निकाल देंगे यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, हमें 1 घंटे का निकाल लेना होगा, यहाँ पे 10 घंटे का दिया था, और धारा के विपरीत दूरी 75 दी है और समय 15 घंटे दिया है, इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे 15/75 किलोमीटर पर आवर। इसमें देखिए बताया गया धारा के विपरीत वो 5 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को 2b बराबर हम लोग यहाँ पे देखते हैं जुड़ गया 15 आ गया, b बराबर 7.5 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे नाव की चाल 7.5 आ गई, अब अगर हम नाव की चाल पहले इक्वेशन में रख देंगे b plus s बराबर 10, अगर हम लोग धारा की चाल निकालना चाहते हैं तो 10 - 7.5 कर देंगे, तो इससे 2.5 किलोमीटर हम लोग की चाल आ जाएगी 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये धारा की चाल हो गई और ये हमारी नाव की चाल हो गई। ठीक है, आप देख सकते हैं धारा के साथ चाल और धारा के विपरीत चाल हमने जोड़ लिया, तो हमें नाव की चाल पता चल गई और पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने नाव की चाल रख दी, तो इससे हमें धारा की चाल भी पता चल गई, धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बस ध्यान रहे हमें पर किलोमीटर निकाल लेना होगा, बाकी आसानी से आ जाएगा। यहाँ पे दोनों पूछा गया था धारा की चाल हम लोगों ने ये निकाल ली और नाव की चाल पूछी गई थी, नाव की चाल ये निकाल ली, इस प्रकार हम क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के लेवल को आगे बढ़ाते हुए और अगले क्वेश्चन की तरफ, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु धारा के प्रतिकूल यानी कि धारा के विपरीत यही दूरी चलने में उसे 3 गुना समय लगता है, धारा की चाल हम लोगों को बतानी है। ठीक है, धारा की चाल हम लोगों को बतानी है, तो हम लोग धारा की चाल निकालेंगे। आए देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे बोट की चाल हम लोगों को बता दी गई है कि 6 किलोमीटर पर आवर है, 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, यहाँ पे हम लोगों को बोट की चाल पता है लेकिन दूरी नहीं पता है, तो हम लोग आगे देखते हैं, पहले से हम लोग बेसिक मेथड से करते हैं फिर आपको हम शॉर्ट ट्रिक के मेथड से जल्दी सॉल्व कराना बता देंगे। तो आइए देख लेते हैं, तो देखिए बोट की चाल हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से बताया गया है, तो कहा गया है यही दूरी तय करने में 3 गुना समय लगता है, मतलब विपरीत जाने में, तो आइए देख लेते हैं, देखिए दूरी हमारा ये पता चल गया चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाता है, तो देखिए बोट प्लस स्ट्रीम और यहां पे
वही दूरी तय करने में, बोट माइनस स्ट्रीम दूरी तय करने में 3 गुना समय लगता है। तो अब 3 गुना यानी कि हम अगर इक्वेशन बराबर करना चाहते हैं तो यहां पे 3 से गुणा हो जाएगा, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे 3 से गुणा कर देंगे। अब यहां पे हमें बोट की चाल बता दी गई है 6 किलोमीटर, यहां पे 6 रख लेंगे, यहां पे हम लोग 6 रख लेंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इसे हम लोग को सॉल्व करना होगा, इसके हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आइए सॉल्व कर लेते हैं। 3x 6 plus s x upon 6 minus s, s यहां पे स्ट्रीम है, यहां पे x x कट गया, इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 18 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पे 3s, यहां पे 6 plus s, यहां पे 6 घट जाएगा 12, वहां पे इधर चला जाएगा तो ये 4s हो जाएगा। तो s बराबर हम लोगों का यहां पे 3 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। तो धारा की चाल यहां पे कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे धारा की चाल यहां पे 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। और हम लोग शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, आइए देख लेते हैं एसटी शॉर्ट ट्रिक। देखिए इसमें जब धारा की चाल निकालना हो, धारा की चाल निकालनी हो स्पीड, तो जितने इसमें जितनी दूरी शांत जल में जाती है, मतलब नाव की चाल गुणे 3 गुना -1 upon 3 गुना +1, एक बार घटा के एक बार जोड़ लेते हैं, ठीक है, आप ध्यान ध्यान रखिएगा, नाव की चाल गुणे 3 गुना -1 3 -1 और 3 गुना +1 जोड़ लेंगे, ऊपर घटा लेंगे नीचे जोड़ लेंगे। अब यहां पे देखिए 6 into 2 upon 4, यहां पे 12 by 4, यहां पे आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए धारा की चाल हम लोगों को 3 किलोमीटर प्रति घंटा पता चल गया। अगर यही हमसे बोर्ड की पूछा होता तो हम लोग बोर्ड की भी निकाल सकते थे, जहां पे हम लोग अब हमें बोर्ड सॉरी स्ट्रीम पता चल गया तो बोर्ड की भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, इक्वेशन में हम लोग रख लेंगे तो आसानी से आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोर्ड बताया गया है 6 किलोमीटर, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ धारा की चाल पूछा गया, तो हम लोग धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अगर उल्टा होता, धारा की चाल दे देता और बोर्ड की पूछता, तब भी हम लोग आराम से कर सकते थे। आप लोग बस शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखिएगा, ये हमारा बेसिक है, दूरी बटे चाल विपरीत जाने में 3 गुना समय लेता है। तो इक्वेशन बराबर करने के लिए 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इससे हमारा ये आ गया। लेकिन ये टाइम टेकिंग है बेसिक मेथड, और इसमें हम लोग आसानी से कर सकते हैं, जितने गुना रहेगा उसमें माइनस कर देंगे, अपॉन में हम लोग जितने गुना रहेगा उसमें एक जोड़ देंगे, और जितनी दूरी नाव की मतलब तय करता है घंटे में वो हम लोग गुणा करके सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ हम लोगों को पता चल गया कि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बाकी आप नोट डाउन करते रहिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नाव को 3/4 किलोमीटर खेने में 11 / 1/4 मिनट का समय लेता है, और वही दूरी वापस लौटने में 7.5 मिनट लेता है। स्थिर जल में नाव की चाल बतानी है। देखिए दूरी किलोमीटर में हमें बताई गई है, लेकिन समय हमारा मिनट में है, तो मिनट को सबसे पहले हम लोग घंटे में चेंज कर लेंगे। तो देखिए 11 / 1/4 मतलब 44 + 1 = 45/4, ये हम लोगों का मिनट आ गया। अब हम लोगों को घंटे में बनाने के लिए 60 से भाग कर देंगे, इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 15 * 45 = 60, 3/3 यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 3/8 हो जाएगा, और यहाँ पे 7.5 मिनट, 7 / 1/2 मतलब 15/2, इसे किलोमीटर बनाने के लिए हम लोग 60 से भाग कर देंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जहाँ पे कर दिए तो यहाँ पे हम लोग का 15 * 60 1/8, ठीक है, 1/8 घंटे आ गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे मिनट को घंटे में चेंज कर लिया, ये रफ वर्क है, आप रफ वर्क कर सकते हैं इसे। आइए देख लेते हैं धारा के विपरीत बोट माइनस एस, यहाँ पे देखिए चाल बराबर दूरी बटे दूरी हम लोगों की 3/4 दी गई है, दूरी बटे समय
देखिए समय हम लोगों ने चेंज कर लिया यहाँ पे 3/8, यहाँ पे x बाई y कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे 3/4 दूरी हो गई और ये हम लोगों का बटे में 3/4 समय हो गया। अब यहाँ पे कहा गया वापस लौटने में धारा के विपरीत, अब मतलब धारा के साथ आ रहे होंगे, धारा के साथ तो 3/4 वही दूरी है, लौटने में हमें 1/8 घंटे लगते हैं, इतने किलोमीटर जाने में इतना घंटा लग रहा है। तो अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं, 3/4 यह भाग था तो पलट जाएगा, 8/3 हो जाएगा, सेम पैटर्न यहां भी 3/4 भाग में हम लोग पलट देंगे, गुणा हो जाएगा तो 8/1 हो जाएगा। इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 4 × 8 हो गया और ये कट गया। तो यहां पे देखिए हम लोगों का 2 आ गया, यहां पे हम लोगों का ये कितना आ गया, यहां पे हम लोग देख सकते हैं 3 × 6 ये आ गया, ठीक है, यहां पे हम लोगों का 6 आ गया, ठीक है। देखिए यहां पे हम लोगों का धारा के साथ 6 किलोमीटर और धारा के विपरीत 2 किलोमीटर, सॉरी देखिए यहां पे 4 × 16, यहां पे हम लोगों ने गुणा गलत कर लिया था, तो 16 यहां पे हम लोगों का ये 16 है, वो थोड़ी सी माइनस मिस्टेक हो गई, देखिए यहां पे हम लोग 16 लिख लेते हैं, तो यहां पे कट किए तो ये 4 आ गया। तो यहां पे हम लोगों की 4 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत जाने में 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के साथ जाने में 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, हम लोग इसे जोड़ लेंगे, ये देखिए हम लोगों ने कट कर दिया, प्लस माइनस था, 2b बराबर यहां पे 6 × 4 = 10 हो गया और बोट की स्पीड आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। आप लोग देख पा रहे होंगे हम लोगों ने आसानी से सॉल्व कर लिया है, ठीक है, बोट बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहां पे हमसे पूछा गया है नाव की चाल बताना है, तो हमें सिर्फ यही बताना था, हम लोगों ने निकाल लिया नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर धारा की चाल पूछा जाता तो हम लोग यहां पे निकाल सकते थे। तो हम लोग यहां पे अगर नाव की चाल है तो हम लोगों ने निकाला है, अगर हम यहां पे धारा की चाल भी अगर पूछा गया होता तो हम पहले इक्वेशन से धारा की चाल निकाल सकते हैं। जैसे आप यहां पे रखेंगे तो देखिए धारा की चाल हम लोगों की 1 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि धारा के साथ नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और अकेले नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब बचा कितना है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आप लोग देख सकते हैं यहां पे सिर्फ करना क्या था, मिनट को घंटे में चेंज कर लेना, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा होता है, किलोमीटर प्रति मिनट नहीं हो सकता, किलोमीटर के साथ घंटे को चेंज करना होगा, समय को हम लोगों ने घंटे में बना लिया, 11 सही 1/4 को हम लोगों ने 45/4 लिख लिया, जब 60 से भाग करते तो 3/16 आ गया, 15 × 45 = 60, यहाँ पे 3/16 और 7.5 मिनट को हम लोगों ने चेंज किया तो 1/8 घंटा आ गया। तो यहाँ पे देखिए 4 = दूरी / समय, 4 = दूरी / समय, दूरी हम लोगों की 3/4 किलोमीटर दी है और समय हम लोगों का ये हम लोगों ने अभी निकाल लिया घंटे में, सब सॉल्व किया तो 4 किलोमीटर पर आवर आ गया, 6 किलोमीटर पर आवर आ गया, हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, तो नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, क्वेश्चन का थोड़ा टाइप चेंज है तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, देखिए लिखा हुआ है एक नाव प्रवाह के विपरीत, मतलब कि धारा के उल्टा P से Q तक और प्रवाह की दिशा में, मतलब धारा के साथ Q से P तक की दूरी 3 घंटे में तय करता है, मतलब उसे आने जाने में कुल 3 घंटे लगता है। यदि स्थिर जल में नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो P और Q के बीच की दूरी बतानी, यानी कि बीच की दूरी जितने पे नाव चल रही है वो हमें बताना है। तो आइए देख लेते हैं, देखिए यहां पे बोट प्लस स्ट्रीम, मतलब धारा के साथ क्या है, धारा की दिशा में, यहां पे नाव की चाल हम लोगों को बताई गई है, नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग यहां देख पा रहे होंगे नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहां से हम लोग बोट प्लस स्ट्रीम निकाल सकते हैं, 9 + 3 = 12 किलोमीटर प्रति घंटा और बोट माइनस एस स्ट्रीम 9 - 3 = 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा।
आप लोग यहां देख पा रहे होंगे, ये डाटा हमें दिया था नाव की चाल और धारा की चाल, तो हम लोगों ने धारा के साथ और धारा के विपरीत निकाल दिया है। तो अब देखिए कह रहा कि सेम दूरी है, मतलब हम लोग मान लेते हैं PQ डिस्टेंस को तय करने में दूरी बटे चाल, चाल हम लोगों का 12 आ गया धारा के साथ, और सेम दूरी है QP या फिर PQ दोनों ले सकते हैं क्योंकि दूरी वही है PQ। अब यहां पे हम लोग 6, ये दोनों दूरी तय करने में उसे कुल 3 घंटे का समय लगता है, 3 घंटे का समय लगता है। आप लोग देख पा रहे होंगे समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल हम लोगों ने निकाल लिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के साथ है, और धारा के विपरीत 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो हम लोगों ने निकाल लिया, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब इसे हम लोगों को सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम आ गया पी क्यू प्लस 2PQ बराबर 3। अब हम लोग 12 उधर भेज देंगे तो 12 इधर आ गया, तो यहाँ पे 36 हो गया। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे 3PQ बराबर 36, PQ बराबर 36 अपॉन 3। इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो 12 किलोमीटर आ जाएगा। तो हम लोगों को पता चल गया वो दूरी 12 किलोमीटर है, P और Q के बीच की दूरी 12 किलोमीटर है। आप लोग आसानी से देख पा रहे होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस देखने में लेंदी लग रहा था। तो आइए देखते हैं, नाव और धारा की चाल दी थी, तो हम लोगों ने धारा के साथ और धारा के विपरीत चाल निकाल लिया, और फिर दूरी बटे चाल दोनों दूरियों को तय करने में 3 घंटे का समय लगा। हम लोगों ने इक्वेशन बना लिया, जब सॉल्व किया तो PQ जो है 12 किलोमीटर हम लोगों की दूरी आ गई। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोगों ने अपने सवाल के पैटर्न को चेंज नहीं किया है, बस हमें धारा के साथ और धारा के विपरीत निकालना था, और समय को मिनट था तो हम लोग घंटे में बदल रहे थे, और दूरी और बटे चाल बस यही हम लोग लगा रहे थे, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, बस इस फॉर्मूले के अलावा हम लोगों ने इसमें कोई और ट्रिक नहीं इस्तेमाल किया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लगाने में मजा आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन जो हम आपको होमवर्क में देने वाले हैं। आप वीडियो के लास्ट में वो क्वेश्चन देख सकते हैं, आप लगाइएगा, अगर आपको ना आए तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको अगली वीडियो में उसके सोल्यूशन देंगे। तो आज हम आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन देखिए, आया क्वेश्चन दिखाते हैं, देखिए ये 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। इनको हम लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन एक बार आप लोग भी ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो हम आपको वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देंगे, ठीक है, अगली वीडियो में। तो आइए देखने क्वेश्चन, एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है, ठीक है, एक नदी में नाव चलाने में समान दूरी के लिए उसे धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। नदी की धारा की गति बताना है, यानी कि यहाँ पे धारा की गति बताना है। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, एक नाव अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि वापस आते समय नाव को वही दूरी तय करने में 6 घंटे लगते हैं। यदि प्रवाह की गति नाव की गति से आधी है, प्रवाह की गति नाव की गति से आधी है, तो उस नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, एक दो बार पढ़ लीजिएगा, जब क्वेश्चन समझ जाएगा आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाने वाला है, तो आप लोग ट्राई करिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप लोग परेशान ना होइएगा, हम आपको अगली वीडियो में सबसे पहले इनके आंसर दे देंगे, फिर अपनी वीडियो शुरू करेंगे। तो लेकिन आप लोग सबसे पहले स्टार्ट करिएगा, तो क्वेश्चन 3-4 बार पढ़ के समझ लीजिएगा, फिर सॉल्व करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। और अगर आपकी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और इन दोनों के आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज की वीडियो बस यहीं तक है, आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपना ध्यान रखिए।